अब हम अमीर का किला जा रहे हैं और इससे बात कर रहे हैं, ये लोकल हमें ज़्यादा पैसे बोल रहे हैं तो हम नहीं इनके साथ बैठ रहे हैं। 100 रुपये में हम बात कर रहे हैं। ये देखो राजस्थान, ये है राजस्थान, और इस ऑटो वाले ने हमसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है इसलिए हम बैठ नहीं रहे। चलो फाइनली बात हो गई, जयपुर देख लो आप। फाइनली मैं जयपुर के पूरे नज़ारे दिखाऊंगी आपको। इन ऑटो वाले भैया के संग जा रहे हैं, ठीक है। फाइनली ऑटो में बैठ चुके हैं और हम लोग अमीर का किला देखने जा रहे हैं। ये देखो जयपुर, ये ऑटो वाले भैया थोड़ा सा चीची कर रहे थे, अब सही है, अच्छे से बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये देखिए रिजर्व पुलिस लाइन जिला जयपुर, ये देखो पुलिस लाइन के बच्चे जा रहे हैं और आप लोग को बड़ा एंजॉय आ रहा होगा देखने में, मजा आ गया। ये देखो स्नेहा का दिया है। जैसे जैसे हम अपनी लोकल सवारी के थ्रू किले के पास पहुंच रहे हैं, पहाड़ है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, पहले किले के चारों तरफ लोग ये लोग ना तालाब खोद के रखते थे, उसमें मगरमच्छ पालते थे, एक सिक्योरिटी रीजन था। आज के जमाने में सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, यहाँ पे मगरमच्छ रहते थे कि कोई पानी में तैर के अंदर ना आ सके। और किले के जैसे जैसे मैं करीब जा रही हूँ, ये देखिए अमीर का किला है। अब हम अमीर के किले को देख रहे हैं। जयपुर में ये बहुत प्यारी जगह है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अमीर के किले की चारों तरफ इन लोगों ने पानी की व्यवस्था करी हुई है ताकि जब राजा रहता था कि कोई किले में ना घुस जाए, और इसलिए इन्होंने मगरमच्छ पाले हुए थे। अब हमने वहाँ से गाड़ी छोड़ के थार बुक कराई थी किले के अंदर जाने के लिए, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो रास्ते में इसने हमें, जो हमारा लोकल गाइड था, इसने हमें बताया कि देखो दो चीज़ें दिखाई इसने किले में जाने से पहले। एक तो दिखाया ये मंदिर, देखा मंदिर, देखिए कुछ याद आया, अक्षय कुमार की पिक्चर की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। और इसके बाद ये देखो जो, और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे जो घर बने हुए ना, जो महल में पहले कर्मचारी हुआ करते थे, सेवक हुआ करते थे, उनके घर बने हुए हैं। तो मैं इन घरों को ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है, ये राष्ट्रीय धरोहर में आता है। ये मंदिर वही है जहाँ पे अक्षय कुमार की पिक्चर की शूटिंग हुई थी भूल भुलैया। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे एक स्पेशल चीज़ पे इसने हमें, गाड़ी वाले ने हमें, लोकल गाइड ने रोका और बोला कि यहाँ जाके देखो। जब मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही थी मेरे दोस्तों, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सी जगह है, क्योंकि मैं तो पहली बार जा रही थी देखने के लिए जयपुर में। तो उसने बोला ये बावड़ी है जाके देखो। स्टेप बाय स्टेप जा रही थी तो मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ देखते ही, तो सडनली मुझे याद आया कि आज से कुछ महीने पहले मैंने शाहरुख खान की फिल्म पहेली देखी थी, तो ये बावड़ी है, यहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी। माइंड ब्लोइंग जगह है भाई, मैं बता नहीं सकती कि पहले के आर्किटेक्ट इतने अच्छे हुआ करते थे और इतनी अच्छी वीडियो बनाते थे। मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि हमारे देश में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोच से परे हैं। जब दुनिया शुरू हुई थी, जब इन लोगों ने काम करना शुरू करा था, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी इन्होंने देखो कैसे बना रखी सीढ़ियाँ दीवार से सटा के, और इतनी अच्छा है। और नीचे पानी है, उसमें मगरमच्छ पले हुए, और नीचे जाना लोगों का मना है क्योंकि बहुत पानी की गहराई का कोई अंत नहीं है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में बना हुआ ना ये, और लोग यहाँ पे वीडियोस बना रहे, फ़ोटो सेशन कर रहे। देखो, देख रहे हो आप, मैं भी ऐसी देख के हैरान हो गई थी, मैं तो सोचते ही रह गई कि कैसे करके बनाया होगा। और आजू बाजू इतने प्यारे प्यारे किले टाइप के बना रखे, बहुत ही अच्छा। कभी जयपुर आओगे ना मेरे दोस्तों, तो ये जगह ज़रूर देखना, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है। है किले के पहले जाते हुए रास्ते में पड़ती है, पर है। और उस फिल्म में दो वो कठपुतली दिखाई थी ना, तो वो भी कठपुतली यहाँ पे बिकती है 100 रुपये जोड़ा। मैं तो लाई नहीं क्योंकि मुझे तो डर लगा था उस पिक्चर को देख के, क्योंकि कठपुतली में आत्माएँ थी, इसलिए मैं लाई नहीं। पर आप लोगों को अगर डर नहीं लगता तो आप खरीद सकते हो। देखो सीढ़ियाँ, देखो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी अटैच, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी अटैच, वाह। तो दिन भर की ड्यूटी रहती है आपके यहाँ पे? नहीं नहीं,
दो बजे से 10 बजे तक, सुबह का कोई वो नहीं है, सुबह दूसरा आता है। तो आपकी भी ड्यूटी लगती है यहीं पे, आपका ले लूँ? पुलिस वालों की वर्दी पहनी है ना। चलो अच्छा लगा हमें आपसे मिलके। 8 घंटे लगती है। अच्छा अच्छा अब हम किले की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको घर दिखा रही हूँ, कितने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं रास्ते में और बहुत प्यारी जगह है, धार्मिक स्थल है। आप लोग ज़रूर जयपुर आइए और आमिर का किला देखिए, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं चाहती हूँ आप लोग को पसंद आए, अगर मेरी वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक भी।